नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल पे सुमित कुमार एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम देखने वाले हैं कक्षा 8वीं विषय हिंदी कविता 9वीं अनमोल वाणी। तो ये संत कबीर जी की काव्य धारा है जिसका हम अभी स्वाध्याय देखने वाले हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए स्वाध्याय को देखना शुरू कर देते हैं। पहले तो अभी हम लोग देखने वाले हैं सूचना के अनुसार कृतियाँ करो। सूचना के अनुसार कृतियाँ करो, तो पहले क्या दिखाया है, एक कृति पूर्ण करो। तो पहला प्रश्न है, देखिए ऐसी वाणी बोलती है जिससे। तो उत्तर क्या आएगा, दूसरों को सुख मिले। और बाद में आएगा स्वयं भी सुखी हो। तो फिर से देखते हैं, ऐसी वाणी बोलनी है जिससे दूसरों को सुख मिले और स्वयं भी हम लोग सुखी हो। अभी प्रश्न दूसरा, कविता में इस शब्द में आए हुए अर्थ लिखिए। मतलब जो हमें चार नीचे शब्द दिए हैं उनके अर्थ कविता में क्या क्या आए हैं वो हमें लिखना है। तो प्रश्न पहला है ठंडा को आया है शीतल। और दूसरा शब्द है कोई को शब्द आया है कोई। तीसरा शब्द बलराम को शब्द आया है हलधर। चौथा प्रश्न है मक्खन को आया है शब्द माखन। अभी तीसरा प्रश्न देखते हैं, कृति पूर्ण करो। श्री कृष्ण द्वारा चोटी के संदर्भ में की हुई बातें। तो देखिए दो बातें हुई है, मेरी चोटी कब बढ़ेगी, और दूसरा कितना समय हो गया यह दूध पीते हुए फिर भी यह चोटी छोटी ही है। ओके, तो यह प्रश्न हम लोग ने देख लिया। अभी चौथा प्रश्न कौन सा है, भोजन का प्रभाव टिप्पणी लिखो। तो देखिए इसका उत्तर ऐसा होगा कि भोजन का असर हमारे सारे मन पर पड़ता है। इसी कारण से भोजन को सात्विक, राजसिक व तामसिक भोजन ऐसी तीन श्रेणियों में बांटा गया है। हम जैसा भोजन ग्रहण करते हैं तो उसके अनुरूप हमारे तन व मन पर प्रभाव पड़ता है। जैसे यदि हम सात्विक भोजन करते हैं तो हमारे मन में दया, क्षमा, प्रेम जैसे भाव अधिक हो जाते हैं। ओके, और अगर हम लोग राजसिक भोजन करने लगे तो आवेश, तनाव, आलस्य जैसे भाव व्यक्त हो जाते हैं। इसके अलावा तामसिक भोजन करने वाले व्यक्तियों में क्रोध, हिंसा, उत्तेजन जैसे भाव अधिक दिखाई देते हैं। इस तरह यह कहा जा सकता है कि भोजन का हमारे शरीर व मन दोनों पर बहुत ही अच्छा प्रभाव या बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ता है। ओके, तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। भाषा बिंदु में क्या लिखा है, पाठों में आए अलग अलग काल के वाक्य ढूंढकर उनका अन्य कालों में परिवर्तन करो। ओके, वयोवृद्ध पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। तो यह है सामान्य वर्तमान काल। ओके, ये वाक्य है सामान्य वर्तमान काल। अभी उसका अपूर्ण भूतकाल कैसे करेंगे, तो देखिए
वयोवृद्ध पिता बड़ा दयनीय जीव होता था, मतलब क्रिया चालू है अपूर्ण है, वयोवृद्ध पिता बड़ा दयनीय जीव होता था। ओके, अभी दूसरा वाक्य देखते हैं। प्राणी किस ओर बढ़ रहा है, प्राणी किस ओर बढ़ रहा है, मतलब ये चालू क्रिया है, अपूर्ण वर्तमान काल है, ये अपूर्ण वर्तमान काल, इसका हमें पूर्ण वर्तमान काल करना है, इसका हमें पूर्ण वर्तमान काल करना है। तो क्या आएगा, प्राणी किस ओर बढ़ चुका है, प्राणी किस ओर बढ़ चुका है। ओके, अभी तीसरा, ढेरों अनाज भंडार में रखे हैं, ढेरों अनाज भंडार में रखे हैं, इसका पूर्ण वर्तमान काल हम लोग ने, ये पूर्ण वर्तमान काल है, ढेरों अनाज भंडार में रखे हैं। ओके, तो इसका पूर्ण भविष्य काल करेंगे, पूर्ण भविष्य काल करेंगे कि ढेरों अनाज के भंडार, ढेरों अनाज की बोरियां भंडार में ही जा चुकी होंगी। अभी आगे, राजा उसे अपना राजपाट सौंपेगा, राजा उसे अपना राजपाट सौंपेगा, सौंपेगा मतलब ये सामान्य भविष्य काल है। ओके, तो अभी हम उसको अपूर्ण भविष्य काल में बदलते हैं, अपूर्ण भविष्य काल में, कि राजा उसे ही अपनी राजपाट सौंप रहा होगा, राजा उसे अपना राजपाट सौंप रहा होगा, मतलब ये अपूर्ण है, पूरा नहीं हुआ है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उपयोजित लेखन, उपयोजित लेखन, आगे कुआं पीछे खाई, आगे कुआं पीछे खाई, कहावत का अर्थ लिखकर उससे संबंधित कोई प्रसंग लिखो। तो चलिए, आपको बताता हूं, आगे कुआं और पीछे खाई मतलब दोनों जगह संकट होना, दोनों जगह ही मुसीबतें आना, उसको बोलते हैं आगे कुआं और पीछे खाई। तो इसकी कहावत तो आपको अर्थ समझ में आया, तो ऐसी कौन सी परिस्थिति आपके आपके दैनंदिन जीवन में घड़ी है, घटी है, तो ये सब आपको इसमें लिखना है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने समझा, तो इस ये जो कविता है, तो ये जो आप काव्यधारा है, इससे संत कबीर जी की काव्यधारा, इससे आपने क्या क्या सीखा, इससे आपको क्या सीखने को मिला, ये सब आपको इसमें लिखना है। ओके, मैंने समझा में। अभी स्वयं अध्ययन, स्वयं अध्ययन, हाफ मैराथन, हाफ मैराथन में सफलता प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी तैयारियां करोगे। ओके, ये लिखो, मतलब मैराथन जो दौड़ होती है उसमें हम सफलता प्राप्त करने के लिए क्या क्या तैयारी करेंगे, ये सब हमें लिखना है। उदाहरणार्थ आप रोज प्रैक्टिस करोगे, रोज जल्दी उठोगे, दौड़ने की प्रैक्टिस करोगे, उसके लिए आप क्या क्या तैयारी करोगे, कितने मिनट तक दौड़ोगे, कितने मिनट की वो, उसके लिए आप किसकी सहायता लोगे, उसके लिए आप क्या क्या तैयारी करोगे, ये सब इसमें लिखना है। ओके, तो दोस्तों ये जो हमें हम लोग तो दोस्तों आज हमने देखा है संत कबीर जी का काव्य। ओके, इसका स्वाध्याय। तो आपको ये कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर लिख के बताइए। चैनल पे नए हो तो चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बाजू की बेल आइकन भी दबाइए जिससे आने वाले नए नए वीडियो आपको प्रथमता देखने को मिलेंगे। दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे नए नए पाठ, नए नए कविता, नए नए काव्य लेके और उनके स्वाध्याय लेके अपने यूट्यूब चैनल पे। तब तक बाय बाय, ध्यान रखिए।